नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। देश नहीं झुकने देंगे, एक भी भारतीय को पीछे छूटने नहीं देंगे। मैं इस वक्त आपको बता दूं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं संभवतः पहला न्यूज चैनल है न्यूज 18 इंडिया, जो बुदमरेज बॉर्डर तक पहुंचा है। ये पीछे यूक्रेन है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे पीछे बॉर्डर पे गेट्स आपको नजर आ रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे। हम लाइव कर रहे हैं इस वक्त पोलैंड के बुदमरेज बॉर्डर से। ये पीछे जो आप देख रहे हैं गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहीं से सबसे ज्यादा भारतीय जो यूक्रेन से जान बचाकर किसी तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत यहां लाए जा रहे हैं। तो यही बुदमरेज बॉर्डर से लाखों की संख्या में लोग जो हैं इसी बॉर्डर से पोलैंड के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये बुदमरेज बॉर्डर तक हम पहुंचे, करीबन 6 घंटे की ड्राइव करके हम अभी पहुंचे हैं रात के 8 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वहां पर रात के 8 बजे आप देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं। और यहां पर इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहां पर इस वक्त जो है वो 4 बजे के आसपास बज रहे हैं, यानी कि 4-4.5 घंटे का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी चीज आज जो खबर है, आज की जो खबर जो देश नहीं झुकने देंगे में सबसे हैरान कर देने वाली, और यहां पर भी हर कोई इस बात को लेकर चिंता कर रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जो आग लगी, और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा किस चीज का है देश नहीं झुकने देंगे में, आज ये बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन इस वक्त आप कह सकते हैं परमाणु विस्फोट की लैंडमाइन पर है, और अगर ये लैंडमाइन फटी तो यूक्रेन में जबरदस्त तबाही आ सकती है। क्योंकि इसको लेकर आपको याद करिए, अप्रैल 1986 चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग बीमार हुए थे, शहर के शहर वीरान हुए। और आज जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं पोलैंड में बुदमरेज बॉर्डर से, पीछे यूक्रेन है, आज हर जगह यही चर्चा है। क्योंकि इसके बाद बाइडन ने बात की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की, बोरिस जॉनसन ने बात की, रूस को रोकने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो बार बार कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर बटन दबा देंगे पुतिन, लेकिन इस जो अटैक हुआ, जो आग लगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, उसको लेकर सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन पर इस वक्त परमाणु रेडिएशन का है। रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन, गुस्से में है पुतिन। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, यूक्रेन दहला। कीव पर आर्यापार, अब पुतिन करेंगे फाइनल प्रहार। रूसी सेना के यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद दुनिया हिल गई है। अमेरिका समेत पूरे यूरोप में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा लगा जैसे न्यूक्लियर प्लांट की आग यूरोप को अपने चपेट में ले लेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि फायर फाइटर्स ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। न्यूक्लियर प्लांट में यह आग करीब 2000 वर्ग मीटर में लगी थी। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर है। न्यूक्लियर प्लांट में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर है। यूक्रेन में कुल बिजली उत्पादन का 25% इस प्लांट से होता है। रूसी अटैक के बाद इस परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया गया है। रूसी सेना ने पूरे प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में यूक्रेन के लोगों को अब लंबे समय तक अंधेरे में रहने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन युद्ध के 9वें दिन आज भी यूक्रेन में मिसाइल, बम और रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन के चर्निव पर रूस का बड़ा हमला, चर्निव के आसमान पर मौत वाली बमबारी। जंग के 9वें दिन रिहायशी इलाकों में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद ये खौफनाक मंजर सामने आया है। ध्वस्त इमारतें, सड़कों पर बिछी लाशें और कराहते लोगों की आवाजें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों की चीखें निकल रही थी। रूस के विनाशक बमों ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। हवा को चीरते हुए अनगिनत बम एक साथ रिहायशी इलाकों में गिरे तो मजबूत इमारतें एक साथ धराशायी हो गईं। चारों तरफ आग, धुआं, मलबा और तबाही से लोग दहशत में थे। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि ये रूस के विरोध करने की सजा उन्हें मिली है।
रूस के हमले का यूक्रेन ने गोस्टोमिल शहर में पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई की और रूसी सेना की पूरी टैंक रेजिमेंट को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना के लिए ये बड़ा झटका है। यूक्रेन ने अपने लोगों को पेट्रोल बम से रूसी टैंकों पर हमला करने को कहा है। ऐसे में ये तस्वीर रूस के लिए बड़े झटके जैसी है। यूक्रेन में रूसी सेना को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रूसी सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ड्रोन से मिली ये तस्वीर रूसी सेना की तैयारियों को दिखाती है। ये तस्वीर कीव शहर से आई है, जहां रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिख रहा है। कीव को भी रूसी सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। कीव पर लगातार फायरिंग भी हो रही है। रूस कभी भी कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। इधर यूक्रेन से रूस को एक और झटका लगा, जहां यूक्रेनी सेना ने रूस की एक बस पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान यूक्रेन की सेना ने कई रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है। युद्ध के 9वें दिन वार पलटवार की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि दो देशों की इस लड़ाई में निर्दोष लोग कब तक मारे जाते रहेंगे। देश नहीं झुकने देंगे में आज ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन इस वक्त आप कह सकते हैं परमाणु विस्फोट की लैंडमाइन पर है, और अगर ये लैंडमाइन फटी तो यूक्रेन में जबरदस्त तबाही आ सकती है। क्योंकि इसको लेकर आपको याद करिए, अप्रैल 1986 चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग बीमार हुए थे, शहर के शहर वीरान हुए। और आज जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, पोलैंड में बुदुमरेज बॉर्डर से पीछे यूक्रेन है, आज हर जगह यही चर्चा है। क्योंकि इसके बाद बाइडन ने बात की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की, बोरिस जॉनसन ने बात की, रूस को रोकने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो बार बार कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर बटन दबा देंगे पुतिन, लेकिन इस जो अटैक हुआ, जो आग लगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, उसको लेकर सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन पर इस वक्त परमाणु रेडिएशन का है। तो अमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से लाइव, उनके पास हम जाएंगे और तमाम जानकारियां जो वहां से वो हम तक पहुंचा रहे हैं उनसे आगे हम जरूर जानते रहेंगे। लेकिन इस बीच जिस परमाणु संयंत्र का जिक्र कर रहे थे अमन, आइए कुछ जानकारियां उसके बारे में आपको बताते हैं। अब सवाल यह है कि ज़ापोरिज़्या शहर के न्यूक्लियर प्लांट में अगर धमाका हुआ जिस भी दिन हुआ, तो ये पूरे यूरोप के लिए कैसे एक खतरा है, आइए आपको ये समझा देते हैं। दरअसल पूरा यूरोप परमाणु बम पर बैठा हुआ है, और ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। सिर्फ यूरोप का ही नहीं, ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और अगर ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट फटा तो चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा हादसा मुमकिन है, और इसीलिए ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट फटा तो पूरे यूरोप की तबाही तय मानी जा रही है। तो इसको देखते हुए आप ये समझिए कि इस वक्त स्थितियां क्या बन रही है। एक बार फिर से अमन के पास चलते हैं, अमन इस वक्त कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अमन ये बहुत बड़ी खबर है प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है। खबर मिल रही है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। 9 दिन से जो युद्ध चल रहा है, ये खबर युद्ध का रुख मोड़ सकती है, क्योंकि शांति वार्ता हो रही है, इससे पहले हुई, लगातार बातचीत की मेज पर है, एस्केप रूट देने की बात की जा रही है सिविलियंस को। लेकिन अभी जो खबर है, ये रूस का भी दावा है, रूस ये दावा कर रहा है 9 दिन से चल रहे युद्ध का ये रुख मोड़ सकती है। ज़ेलेंस्की जो कह रहे थे कि भाई अगर जान बचानी है तो रूस की सेना यहां से चली जाए, अब यह खबर आ रही है ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए। मैं जहां पर हूं इस वक्त, ये पोलैंड में इस वक्त मैं हूं, बॉर्डर के पास हूं, और ये यीशु जो शहर है यीशु, वहां पर मैं हूं। और खबर है कि थोड़ी देर में संभवतः वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहने की कोशिश करूंगा, भारत के पक्ष से मैं सवाल लूंगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्योंकि लगातार नेक एंड नेक वाला माहौल था, रूस और यूक्रेन आमने सामने थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो भाग गए हैं रूस के, मतलब रूस का ऐसा दावा है। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं जो कि पूरे ऑपरेशन गंगा पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि लोकल यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, क्योंकि पोलैंड सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अब ये खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की यहाँ आ गए हैं आपके पास पोलैंड में, क्यों? ये तो नेचुरल है ना पोलैंड आने के लिए, क्योंकि पोलैंड बहुत मदद कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, इसलिए वो नेचुरली वो इधर ही आ सकेगा।
तो नहीं, वो तो कह रहे थे लड़ूंगा एक एक इंच के लिए, छोड़ूंगा नहीं जमीन, और उन्होंने कहा था कि जो है अगर रूस के सैनिकों को जान बचानी है तो वो भाग जाए, तो वो क्यों भाग गए? नहीं नहीं, वो तो ये नहीं भागा, मतलब इसको वो उसको बचना पड़ेगा ना लड़ाई करने के लिए, ये तो लंबा लंबा टाइम लगेगा। क्या पोलिश, आप बता रहे थे पोलैंड के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है, इसके अलावा जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी ब्लिंकन, आज कल पोलैंड का प्रेसिडेंट भी इधर ही है, मुझे मैसेज मिला आज, फिर सुना हुआ कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी आने वाला है इधर, तो ये बहुत यू नो ये टाइमिंग को लेकर जरूर कहा जा रहा है। देखिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भी एक दो दिनों में यहाँ पर होंगे, और इसके अलावा पोलैंड के प्रेसिडेंट वो भी यहीं पर हैं, और इसी वजह से संभवता हो सकता है, हालांकि रूस कह रहा है कि ज़ेलेंस्की भाग गए हैं, जनरल प्रसाद भाग गए ज़ेलेंस्की, मतलब क्या क्या इस खबर का, क्योंकि ये भी खबर आई कि 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, ज़ेलेंस्की को मारने की कोशिश हुई 3 बार रूसी एजेंट्स की तरफ से, वो बचे हैं, क्या मतलब है इस खबर का जनरल प्रसाद? पहली बात तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये वॉर जोन में पहुंच चुके हैं अमन, वेल डन। दूसरी, आपने दो बड़ी खतरनाक खबरें सुनाई अभी, एक तो न्यूक्लियर प्लांट के पास कुछ आग लगी है, वहां से रेडिएशन की खबर, उस पर भी विस्तारपूर्वक बात करूंगा, कमेंट दूंगा। लेकिन दूसरी, आपने और बड़ी अजीब खबर सुनाई है कि ज़ेलेंस्की वहां से भाग गए हैं, ये सच है कि झूठ है, इसका सत्य कब पता लगेगा तब तक टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि वाकई में वो वहाँ से भाग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मैदान अब छोड़ के लड़ाई का चले गए हैं, और छोड़ गए हैं अपनी पूरी देश को उनकी मिलिट्री के लीडर के ऊपर और उनके देशवासियों के ऊपर। इस समय भी उन्हें ये कहना चाहिए कि देखिए अब हमारी पोजीशन अनटेनेबल हो गई है, हम किसी तरीके से रूसी फोर्स को नहीं रोक सकते, तो मैं तो वहाँ से भाग निकला हूं, अब आप लड़ाई को युद्ध विराम कर दीजिए, नहीं तो और तबाही होगी। अगर इसी तरह से वो कोई मैसेज, चाहे वो असल में तो उन्हें ये मैसेज देना चाहिए कि हम नेटो के संग नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मैसेज को देने के लिए उन्हें कठिनाई हो रही है, तो कम से कम इतना तो कह दें अपने आर्मी चीफ से, जो उनकी लड़ाई उनकी एब्सेंस में लड़ रहा है, कि अब आप युद्ध विराम मान जाइए, नेगोशिएशंस करिए, मैं पोलैंड पहुंच चुका हूं, मैं नेटो के संग बात करूंगा और उसके बाद आगे रणनीति बनाऊंगा। तो इससे भी हो सकता है कि अगर रशिया को ये कंफर्म हो जाए कि वो वहां से वाकई भाग चुके हैं और पोलैंड पहुंच गए हैं, और उनकी जो जितनी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ आर्मी चीफ के हाथ में है, तो शायद युद्ध विराम को रशिया भी मान जाए। इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि एक तरह से रेडिएशन को ना होने दिया जाए, अगर रेडिएशन वहाँ से हो गई तो पूरा यूरोप में बड़ा घमासान परेशानी हो जाएगी। तो एक तो रशिया को उस पर जिस तरह से अगर आग लगी है तो आग बुझाएं, या जो भी उसके डिफेंसिव मेजर हो सकते हैं उसको करें, डिपेंडिंग अपॉन कितना नुकसान हुआ है। दूसरी बात, ये ज़रूर यकीन करें कि ज़ेलेंस्की वहाँ हैं कि नहीं है, हो सकता है कि उनकी भी कोई गलत खबर उड़ाई गई हो, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट रशिया टू स्टॉप। तो देखिए, इस चीज़ की जब तक पुष्टि नहीं होगी, जब तक फिजिकली मालूम नहीं चलेगा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कहाँ है, तब तक इसी तरह से इसकी बातचीत चले, सब अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई नहीं मालूम है। तो अगर सच्चाई है कि चले गए हैं तो मैं समझता हूँ इट्स ए गुड साइन, अगर नहीं गए हैं तो वेल ही इज़ कंटिन्यूइंग टू फाइट और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और रशिया की बात, रशिया ने शायद ये खबर सही है कि गलत है उड़ा दी है। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर अमन, तो आप यही पता करके बता दीजिए हम लोगों को कि वाकई में वो पोलैंड पहुंच गए कि नहीं, लेकिन ये आपको पता करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी भारी वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, पोलैंड इन्वॉल्व है, और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल जनरल प्रसाद, अब ये रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की यहाँ पोलैंड में आ चुके हैं, हम लोग इस वक्त पोलैंड में ही है, मैं बुदुबरेज बॉर्डर पर भी, बुदुबरेज बॉर्डर जहाँ से सबसे ज्यादा भारतीयों को लाया जा रहा है, हम लोग वहाँ पर है, बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है, जो मिस्टर राव से मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको कवर करते हैं प्रवासी भारतीय, वो कह रहे हैं कि पोलिश प्रेसिडेंट हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कल परसों यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बातचीत अपनी जगह हो रही है। मैं आज दिन भर क्या हुआ, क्या वो मजबूरी थी जिस वजह से संभवतः उनको भागना पड़ा, या रूस जो कह रहा है कि वो भागे नहीं भागे, वो सब मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन एक कमेंट पहले विवेक काटजू जी, मैं आपका ले लेता हूँ, उसके बाद वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, मेरी रिपोर्ट है, लेकिन पहले विवेक काटजू, ज़ेलेंस्की, रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड आ गए, खबर का मतलब क्या है, 9वें दिन ज़ेलेंस्की पोलैंड आ गए? देखिए, कहावत है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी इन अ वॉर, यानी सत्य को पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन
जो है सूचनाएं, ये गलत सलत अफवाहें फैलाना, ये युद्ध का सिलसिला होता है। तो इसलिए इस पर अभी अगर बात करनी है तो फिर हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने कहा, जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती है तो फिर इस पर क्या इस पर टिप्पणी करें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ विमर्श के लिए, कुछ एडवाइस के लिए वो पोलैंड गए हों कुछ देर के लिए, फिर वापस आ सकते हैं, ये तो हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो उनका व्यवहार रहा है उससे ये अनुमान लगाना कि वो भाग जाएंगे, अपने लोगों को छोड़ देंगे, जरा मुश्किल लगता है। उनके अभी भी जो पश्चिम एरिया है पोलैंड का, अब यूक्रेन का, और जो वो बॉर्डर एरियाज हैं पोलैंड से मिलते और वो और देशों से मिलते, हंगरी से मिलते, वहां पर रूसी सेनाएं पास नहीं है। तो अगर उनको जाना है तो वो वहां जाएंगे, उन शहरों में जाएंगे जो जो इस एरिया में है यूक्रेन। फौरन उनका भागना मुझे तो इस वक्त कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ठीक सर, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आज ये खबर आई थी कि 65 किलोमीटर लंबी लंबी जो एक सेना का जो काफिला, रूसी सेना का, वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। लगातार कीव पर बमबाजी हो रही है, खार्की पर कब्जे की लड़ाई हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो है वो वहाँ पर आग लगी, जो संभवतः पहली बार हुआ, बहुत ही डेंजरस माना जा रहा है। आज क्या कुछ हुआ दिन भर में क्या कुछ हुआ जिसके बाद ये खबर आई कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर यहाँ पोलैंड आ गए हैं, क्या हुआ वो देख लीजिए एक बार। खेरसोन पर रूस की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है, खार्कीव में कब्जे की लड़ाई लगातार जारी है, लगातार बमबारी की जा रही है, और आज की ये सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त हमको मिल रही है कि कीव पर भी, कीव का किला भी अब जल्दी ढह सकता है, क्योंकि रूस की जो सेना है, 64 किलोमीटर लंबा रूस की सेना का काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है, और आज के 9वें दिन संभवतः बड़ी खबर आ सकती है कि कीव पर भी कब्जा हो गया। लेकिन सवाल यही कि क्या कीव पर कब्जे से ये जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्या वो अंत हो जाएगी? 9 दिन चला ये युद्ध, आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, परमाणु अध्याय इसका शुरू हो सकता है, लेकिन कीव पर कब्जे के बाद क्या ये युद्ध की समाप्ति होगी? रूस यूक्रेन युद्ध का आज 9वां दिन है। 9 दिन से दोनों देश आपस में लड़ मर रहे हैं, बमबारी हो रही है, यूक्रेन की तरफ से बार बार ज़ेलेंस्की धमका रहे कि जिंदा बचना है तो रूसी सैनिक पीछे चले जाएं। रूस लगातार बमबारी कर रहा है, कीव, खार्कीव, खरसों, तमाम शहरों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। लेकिन जानते हैं, रूस की सेना दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, 8 लाख सैनिक हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 9 दिन बाद भी रूस ने क्या हासिल किया? 9 दिनों के अंदर एक भी तस्वीर इस तरह की नहीं आई है कि जिसमें रूसी सैनिक ने किसी, रूस के सैनिकों ने किसी शहर पर कब्जा कर लिया हो, इस तरह की तस्वीर नहीं आई है। दावा जरूर किया जा रहा है कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ये दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई आप इसको कह सकते हैं, जिसमें रूस एक विलन की तरह साबित हो रहा है, और ये बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी मीडिया के चश्मे से, पश्चिमी देशों के चश्मे से, कि यूक्रेन का साहस रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा एक और खबर आई कि आज एयर स्ट्राइक हुई, उसमें 22 लोग मारे गए हैं। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हो गया, बमबाजी हो रही है खार्की पर, और तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है, टकराव बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ी खबर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आई। मेरे साथ जनरल प्रसाद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल, पहले विशंबर दयाल मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल दयाल, ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर यहां पोलैंड आ गए हैं, रूस का ऐसा दावा है, 9वें दिन, क्या समझा जाए? देखिए, अगर इस दावे में कोई सत्य है, और जैसे कि मिस्टर काजू ने कहा कि अगर वो कोई डिस्कशन करने, कोई सलाह मशवरा करने नहीं गए हैं, जो कि मैं नहीं समझता इस हालात में उनको सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है,
अगर वो रियली रूस छोड़ गए हैं और चले गए पोलैंड में, इसके दो ही मायने हो सकते हैं। एक तो इमिडिएटली उनकी जो आर्मी है, जो उनके लोग लड़ रहे हैं, उनके मुराल पर बहुत असर पड़ेगा, और समझता हूँ कहीं ना कहीं एक जल्दी से रास्ता निकल जाएगा, शायद वार्तालाप के जरिए ये युद्ध में कुछ विराम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उनकी एक स्कीम हो, एक प्लान हो कि भाई जो वेस्ट है वो जो भी किसी दूसरे प्रेसिडेंट को अगर कल रशिया बनाता भी आने वाले वक्त में, तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, और ये इन एग्जाइल किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट चलाते रहे या वापस लवीव से कोई सरकार चलाते रहे, इसके कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए जब तक ज़ेलेंस्की उभरते नहीं हैं कहीं और आमने सामने बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो जाता और वो कुछ बोलते नहीं हैं, जब तक इस पर कहना बहुत मुश्किल अमन, क्योंकि उनकी सुबह की कुछ और स्टेटमेंट थी कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से आमने सामने होकर बात करना चाहता हूं, पर कल जो उनकी टीम थी, जो उनकी टीम जो कही थी कल सेकंड राउंड में था, अगर उस टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह से वो गए, जैसे वो मिल रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कुछ न कुछ की कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था उस टीम में। और जहां तक रशिया की बात है, आज पूरे दिन का आपने ठीक से वर्णन किया, लेकिन एक बात मानिए कि जो शायद रशिया की स्ट्रैटेजी थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, कीव को ना डिस्ट्रॉय किया जाए, बाकी शहर जो छोटे शहर हैं उन पे जो स्ट्रैटेजिक जो फौजी दस्ते हैं या फौजी एरिया या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, देखिए इतनी सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं जो नौ दिन में होनी चाहिए, और ना ही दोनों तरफ से इतने सैनिक घायल हुए, मतलब वीरगति को प्राप्त हुए। इतने नौ दिन के अंदर अगर दोनों साइड हज़ार कैजुअल्टीज हैं तो कोई बड़ी नहीं है लड़ाई के हिसाब से, दुख की बात है इतनी अभी रहे तो। और सिविलियंस तो बहुत ही 150, वो खुद यूक्रेन कह रहा 150 डेथ एंड अबाउट 500 इंजर्ड, तो इतनी कैजुअल्टीज नहीं है, ये संभाला जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में क्योंकि जहां भी अभी तक कीव को छोड़ के बाकी शहरों को इतनी सामर्थ्य है इस इलाके की, रशिया और यूक्रेन की टुगेदर की, वो इसको बिल्ड कर लेंगे, इकोनॉमी को जनरेट कर लेंगे। लेकिन अगर कीव का युद्ध होता है, जो कि मैं समझता हूं अब तक रशिया का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसी ना किसी तरह कीव को बर्बाद किए, कीव को हरास्त किए, कीव में अटैक किए बगैर अगर सरकार पलटा हो जाए, अगर यूक्रेन नाटो में ना जाए, और अगर जो न्यो नाजीज हैं उनकी आर्मी में, वो एक रियलिटी है, अब दिख रहा है उनके अंदर जो दस्ते हैं जो यूक्रेनियन को सपोर्ट करते हैं, जो डोनेस्क और लुहांस में पिछले 5-6 साल से इस किस्म के अटैक कर रहे हैं, अगर उनको सरेंडर करा दिया जाए तो काफ़ी हद तक रशिया अपना स्ट्रैटेजिक एम भी अचीव कर लेगा, पॉलिटिकल एम भी, मिलिट्री एम भी, और एक एम तो वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है कि क्रीमिया तक उसको अपना लैंड रूट वो बना चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि मरियोपोल जो है वो बिल्कुल गिरा हुआ है, आप खेरसान वो खुद मान चुके हैं गिरा हुआ है, जरपाजिया पे बिल्कुल उनकी सेना पहुंच चुकी है, क्योंकि जरपाजिया पे वो बंद है अमन जहां से पानी जाता है क्रीमिया के अंदर, जो ड्नेपर रिवर को कंट्रोल करता है, वहां पे एक बंद है। और देखिए जरपाजिया का अटैक बहुत जरूरी था, और वो जो न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो रेडिएटर्स है, जो हमारी रेडिएशन की है, अगर पोलैंड आ गया, ये तो हमेशा समझाया जाता ना, बिना सेनापति के सेना कैसे लड़ेगी। अगर रूस का दावा सही है कि जहां पर मैं हूं पोलैंड, यहां पर अगर ज़ेलेंस्की यहां पर आ गए, क्योंकि पोलैंड हम जितनी दो दिन से हम यहां पर हैं, यहां तो सॉलिडरिटी इतनी ज्यादा है यूक्रेन को लेकर, यहां गाड़ियों में यूक्रेन का झंडा है, एम्बेसी के बाहर यूक्रेन का झंडा है, एयरपोर्ट के बाहर निकलते यूक्रेन का झंडा है, यूक्रेन का पोलैंड का पूरा सपोर्ट है। लेकिन सवाल ये कि कीव पर कब्जे से अगर युद्ध खत्म होता है तो कीव को कैसे बचाएगा यूक्रेन, अगर राष्ट्रपति जो है कीव को छोड़कर, यूक्रेन को छोड़कर यहां पोलैंड आ चुके हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद मेरे साथ हैं, डॉक्टर वाइल अव्वाद जो कि दक्षिण एशिया के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद, इस खबर का क्या मतलब है सर, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि कैसे बचेगा कीव अगर राष्ट्रपति ही देश छोड़कर आ जाएंगे, ये सरेंडर माना तो जाए, क्या माना जाए सर? अमन, ये तो स्पेकुलेशन हो सकता है और थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये उनका शक्ल देख रहे हो और आपकी शक्ल में देख रखते हो, आपके लिए बिल्कुल ये कोट बांध रहे तो तंदा मौसम है, वो उनकी जिस शुरू से उन्होंने टी शर्ट बांध रहा है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं ये तो वेयर अबाउट इज नॉट नोन, तो इसलिए हमको स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जिंदा ही जिंदगी रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर कल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये आदमी के दोबारा आ जाएंगी, लॉन्ग होल रेजिस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप ये समझ लो अगर ये रशिया में युद्ध में जीत हो रहा है, इसका मकसद ये रहने के लिए कितना दिन लगी है उसमें लॉन्ग होल, इसलिए वो तो प्रेसिडेंट इज वेरी मच वांटेड,
लेकिन फिर भी अगर वो उन्होंने बाहर आ गया था ये सिनारियो तो अलग बात है, क्योंकि मोरल ऑफ द आर्मी डाउन हो जाएगी और उनकी लोग के जो उनकी सपोर्ट हो रहा है तो कम हो जाएगी। लेकिन इसका मकसद एक ही भी चीज हो सकता है, रशिया में खुद उन्होंने काफी डायग्नोज करा दिया था, करियव भी करा दिया था, कीव भी किया था, मतलब काफी डोनबास का भी करा, अभी तक पोलैंड में आया था मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, कोई और शहर में हो सकता है, कोई और देश में गया था, लेकिन फिलहाल में अभी तक ओनली स्पेकुलेशन। ठीक है सर, मैं एक बार विवेक आर्जू जी, ये कमेंट आपका, क्योंकि एक रिपोर्ट भी मुझे दिखानी है, विवेक आर्जू और जनरल प्रसाद, एक एक कमेंट आपका। विवेक आर्जू, ये सवाल इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने तो पहले भी सेफ पैसेज देने की बात की थी, जब लड़ाई शुरू ही हुई थी, जब अटैक शुरू हुए थे, शुरुआत में ही कहा था कि आप सेफ पैसेज ले लीजिए, आप निकलिए, लेकिन तब ज़ेलेंस्की ने कहा था कि नहीं, मैं यहाँ लड़ूंगा, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। अब 9 दिन बाद छोड़ने का क्या मतलब हुआ फिर, मतलब पहले भी सेफ पैसेज देने की बात की गई थी? देखिए, आप सही कह रहे हैं, तब ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो टारगेट नंबर 1 है, उनकी फैमिली टारगेट नंबर 2 है। उसके बाद अमरीका ने उनसे कहा कि अगर आपको बाहर आना है तो हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर पोलैंड जाना है तो सेफ पैसेज की जरूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि वहां पर तो रूसी सेना नहीं है, वहां से कीव से वेस्ट की ओर तो जा सकते। अब रही बात ये कि 9 दिन बाद अगर निकल रहे हैं तो इसका तात्पर्य बस एक, मेरा मानना, अगर ये सही खबर है, कि ज़ेलेंस्की की फौज ने उनसे कहा है कि अब लड़ना बिल्कुल बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं कि अब हम लड़ते जाएं, क्योंकि इसमें तबाही हो रही है और तबाही होती जाए, और अगर उनकी फौज और उनमें दरार आ गई है तो फिर वो जा सकते, वो फिर ये समझौता, आपस का समझौता फौज और ज़ेलेंस्की और उनके साथियों का है कि अब लड़ना हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि देखिए, इस वक्त यूक्रेन में उनकी जनता में एक ऐसा आक्रोश है रूस के खिलाफ कि क्या उनको काबू में लाया जा सके। कुछ लोग तो भाग गए हैं, मिलियन 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी हैं, वो चले गए हैं, लेकिन कीव में जिनको हाथ में मोलोटोव कॉकटेल दी गई है, जिनके हाथ में हथियार दिया गया है, उनमें से बहुत लोग तो चले गए हैं, लेकिन कुछ तो बचे हैं। तो इस हालात में मामला जो है वो बहुत इस वक्त पेचीदा है, और ज़ेलेंस्की का के जाने का अगर ये खबर सही है तो इसको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि फिर जो यूक्रेन की लीडरशिप है, जिसमें फौज और सिविलियन लीडरशिप दोनों ही उसमें शामिल होंगे, उन्होंने तय कर लिया है कि अब हमें रूस से कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा, और रूस की मांग थी कि की सत्ता में परिवर्तन हो, तो फिर तो ज़ेलेंस्की को जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी पुष्टि जब तक यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से और सबसे और नेटो में नहीं होती, तब तक हमें इस पर प्रश्न चिन्ह रखना चाहिए। बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, लग भी रहा है, क्योंकि ये वॉर टैक्टिक्स है, डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, आप जानते हैं मेरे से बेहतर, और अब पुतिन का दावा है, रूस का दावा है, ये रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की पोलैंड आ गए हैं, यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। मैं कोई रिपोर्ट दिखा नहीं, लेकिन जनरल प्रसाद, एक कमेंट जल्दी से मैं आपका भी ले लूँगा। जनरल प्रसाद, ये लड़ाई थी कीव पर कब्जे की, ये लड़ाई थी सत्ता परिवर्तन की, ये लड़ाई थी कि पपेट जो है अपना वहाँ पर नेता बिठा देने की कीव पर, तो राजधानी कीव पर अब कैसे कब्जा रुकेगा, मतलब बिना सेनापति के सेना कैसे लड़ेगी, तो कीव पर कब्जा तो अब होके रहेगा, अब इसको यही माना जाए अगर अगर ये खबर सही है सर। जनरल प्रसाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कीव पर कब्जा करना आसान हो गया। आपने 3 बातें बताई थी इस प्रोग्राम में कि 60 किलोमीटर की लंबी वहां पर गाड़ियों की लाइन लगी है, अगर 1 किलोमीटर में 5 गाड़ी भी हैं तो 250-300 गाड़ियाँ कीव के बाहर खड़ी हैं, कभी भी उसको नष्ट कर सकती हैं, यह बड़ा भारी प्रेशर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि युद्ध विराम कब होगा, युद्ध समाप्त कब होगा, युद्ध तब समाप्त होगा जब कीव के अंदर पुतिन साहब अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का एक हेड ऑफ द स्टेट बिठा देंगे, और वो अनाउंस करेगा, जो हेड ऑफ द स्टेट नया बनाएंगे, कि मैं नेटो नहीं ज्वाइन करूंगा, यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो। तो उस समय माना जाएगा कि पुतिन साहब का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो गया। अब सबसे बड़ी बात जो एम्बेसडर काट्यू साहब भी कह रहे हैं,
कि अगर ये राष्ट्रपति वहां से भाग गए हैं तो अब तो देश का मोराल ख़त्म। अब उनकी आर्मी क्या करेगी? अब उनकी आर्मी के सामने एक ही रास्ता रह गया है कि वो अपना आत्मसमर्पण करें, जिस तरह से कि आपने बांग्लादेश वॉर में देखा 92,000 लोगों ने हथियार डाल दिए जब चारों तरफ से घिर गए, तो उसी तरीके से अब ये लगता है कि ये होगा यहाँ पे। अगर चारों तरफ से घिर गए हैं ये और उनका राष्ट्रपति वहाँ से भाग गया है, तो अब आर्मी को भी यही सोचना पड़ेगा, अच्छा जी हम सरेंडर कर रहे हैं, अब लड़ाई को बंद कर दीजिए, क्योंकि इतना नाश सत्यानाश तो हो चुका है, कितना डिस्ट्रक्शन तो हो चुका है, और अभी तक कीव पे इतना भारी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। कीव इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, कैपिटल ऑफ यूक्रेन, उसको पुतिन भी तोड़ना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि बिना लड़ाई के, बिशंबर दास ने भी कहा था, सब ये चाहते हैं कि कीव में बिना नुकसान किए वहाँ पर रशियन फोर्सेस का कंट्रोल हो जाए, और उसकी बड़ी अच्छी संभावना है। वो प्रेशर ही लगाते रहेंगे, जो 250 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, दे आर अ प्रेशर पॉइंट, और ये भी प्रेशर पॉइंट। अब असली बात जो आपने पूरे प्रोग्राम की याद रखी है, सारा चीज़ इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ से प्रेसिडेंट हैं कि भाग गए हैं। अगर भाग गए हैं तो अब तो एक आध दिन में फौज सरेंडर करेगी नहीं करेगी तो फिर उनकी बड़ी गलती है, क्योंकि वो समझ जाना चाहिए कि कीव पर नुकसान होगा, कीव की जो जनता है उसको नुकसान होगा, जो थोड़े बहुत लोग रह गए, बिल्डिंगें टूटेंगी और लोग मरेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनको डायरेक्शन देने वाला कोई है नहीं। जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, अगर प्रेसिडेंट और यूक्रेन वहाँ कंसल्टेशन के लिए गए, आजकल के ज़माने में कंसल्टेशन के लिए फिजिकल मीटिंग की ज़रूरत थोड़ी है, आपकी और मेरी बातचीत हो रही है, आप यूक्रेन में बैठे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो वो तो टेलीफोन से बात हो सकती है, और कई एक मीन्स होते हैं बातचीत करने के। तो उन्हें अगर कोई सलाह लेनी है, कोई बातचीत करनी है अपने नेटो लीडर्स के संग, तो वो तो बिना जाए भी हो सकती है, तो वह जाएं और वापस आ जाएं, दैट्स अगेन सीरियस इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। तो अगर ये चले गए, देखिए असली में अमर, आप इसको पता कर लीजिए किसी तरीके से कि वो वाकई में गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो रशिया का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, और रशियन का प्रेशर क्लोज होता जाएगा, और वह अपना जो कहते हैं शिकंजा और क्लोज करते चले जाएंगे, उससे और नुकसान होगा। ये पुतिन तो मानने वाले हैं नहीं, 9 दिन की लड़ाई के बाद अगर कोई सोचता है कि वो मान जाएंगे और घर चले जाएंगे, तो ऐसा तो किसी हालत में होगा ही नहीं, और वहाँ पे अगर रेडिएशन का चक्कर और चल गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन इंडिया के लिए क्या मैसेज है वो भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया के लिए क्या मैसेज है? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध भले ही दिल्ली से आप जानते हैं लगभग 5,500 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, हम इस वक्त दुदुमरेज में हैं, बॉर्डर पर हैं, यहाँ से भारतीय आ रहे हैं, तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग आ रहे हैं, दिल्ली से ये जगह जो है वो 5,000 किलोमीटर दूर है, जगह 5,000 किलोमीटर दूर, युद्ध लड़ा जा रहा है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सबक है, भारत के लिए बहुत बड़े सबक हैं। सबसे बड़ा सबक ये कि सैन्य रूप से आप जितने भी शक्तिशाली होना ज़रूरी है, सॉफ्ट पावर होने से काम नहीं चलता, सैन्य तौर पर शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, परमाणु संपन्न होना देश की सुरक्षा की गारंटी है, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये शायद संभवतः सारी चीज़ें हैं जो भारत को हमेशा भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेगी, क्योंकि आज की तारीख में रूस न्यूक्लियर बटन की धमकी दे रहा है, और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया पहली बार। मैसेज भारत के लिए भी बहुत बड़े हैं। और बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ लगातार डिस्कशन में जुड़ा हुआ है, और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वायल अवाजी। अवाजी, मौजूदा वक्त में अगर ये जानकारी आ रही है कि ज़ेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है 9 दिन के बाद जो 10वीं सुबह होगी वो कुछ अच्छी खबर लेकर आएगी यूक्रेन के लोगों के लिए? अच्छी खबर की बात नहीं होता प्रीति, क्योंकि देख लो अगर ये तो युद्ध में तो अभी तक ज्यादा सख्त हो जाएगी, और ये प्रेसिडेंट में जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति रहने नहीं होना चाहिए क्योंकि जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तो ये कह रहे हैं ये तो लंबी मामला है आज का, अगर रूसी में युद्ध में खत्म कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने के लिए मतलब ये सरकार हथारने के लिए कोई दूसरी सरकार लगा देंगे, तो इसलिए तरह से प्रॉब्लम उनकी है, इसलिए तो भाग जाना पड़ेगा हर हालत में, आज का या कल भी है कभी, मतलब रिपोर्ट में शुरू से लोग कह रहे हैं ये तो मतलब ये राष्ट्रपति के वहां पर ये यूक्रेन के अंदर नहीं है, तो इसलिए उनके मोराल तो डाउन हो रहा है, क्योंकि रशिया में बिल्कुल डिटरमिन्ड है, अडरमेंट बिल्कुल है, ये तो कह रहे हैं हमको पूरा हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए, जब तक हमको पूरा अचीव नहीं हो सकता है तो ये इसका मकसद एक ही है, युद्ध चलते रहेगी, तो इसलिए प्रेसिडेंट अगर निकल गया था तो अच्छा हो गया था, जिंदा है, बाकी देख लेंगे आगे में क्या हो रहा है, उनके बाद जरूर। लेकिन ये तो वही ज़ेलेंस्की है ना,
आवाज जी, ये तो वही ज़ेलेंस्की है जो ये कह रहे थे कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम तो निकल कर बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में विशंबर दयाल जी, अब इन 9 दिनों की लड़ाई के बाद यूक्रेन की जनता जो खुद ज़ेलेंस्की के कहे के मुताबिक चल रही थी, अपने आप के लिए क्या महसूस कर रही होगी, और अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर और ज्यादा रूस हावी होगा? देखिए, अगर वो निकल गए और वो चले गए तो फिर कहीं ना बहुत मोराल पे बहुत असर पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में उनको एक रियलिटी फेस करने में वक्त लगा। 2-3 इंडिकेटर्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि शायद वो चली गए हो। पहली मीटिंग में खुद डिफेंस मिनिस्टर आए थे यूक्रेन के, और रशिया के प्रेसिडेंट के एडवाइजर आए थे। कल यूक्रेन की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे। दूसरी बात, इसका मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी पहली बार आए थे कुछ हल निकालने के लिए, और कल नहीं आए क्योंकि उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि अब कोई फायदा नहीं है, अब आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और चले जाइए। दूसरी बात जो है, कल जो प्रेसिडेंट ने, फ्रांस ने जो स्टेटमेंट दी कि अगर सॉल्यूशन नहीं होती है, कोई इस वार्तालाप से नहीं निकलता है, तो पुतिन कहते हैं मैं अभी ये कुछ नहीं है, मैं बहुत भयंकर इसका परिणाम होगा, और रशिया फुल फ्लेज्ड, मतलब तो उसका भी एक कहीं से एक प्रभाव था, बहुत क्लियर मैसेज था ज़ेलेंस्की को कि आप छोड़ दो, क्यों विनाश करवा रहे हो यूक्रेन का। और तीसरा, प्रेसिडेंट बाइडेन या यूएस की तरफ से, बड़ी खबर आ रही है नाटो अपने साथियों की रक्षा करेगा, ये इन्फॉर्मेशन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आ रही है। यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नाटो हर चुनौती से निपटने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात ज़ेलेंस्की को लेकर कही जा रही है कि वो पोलैंड चले गए हैं रूसी हमले पर, नाटो की चेतावनी। नाटो ये कह रहा है कि हम हर स्थिति में लड़ने को तैयार है, चुनौती लेने को तैयार है, और साथ ही साथ यूएस का भी उसके साथ स्टेटमेंट आ रहा है जो बता रहा है कि भले ही ज़ेलेंस्की को लेकर तमाम दावे रूस की तरफ से किए जा रहे हो, लेकिन इस वक्त नाटो देश खड़े हुए हैं यूक्रेन के साथ। और अगर ऐसी स्थिति बनती है शंकर प्रसाद जी, तो मौजूदा वक्त में रूस के सामने अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति चले भी जाते हैं तो क्या चुनौतियां कम हो जाती है, क्योंकि नाटो देश कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं? हाँ, खड़े कहां पर हैं? खड़े यूक्रेन के अंदर आकर लड़ेंगे कि वहां अपने भारतीय तालियां बजाएंगे? देखिए, दो बातें 9 दिन से आप देख रही हैं कंटिन्यूसली, कि तो 9 दिन से सपोर्ट करे जा रहे हैं नेटो वाले, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं ना, बाहर से हथियार भेजते हैं, बाहर से ताली बजाते कि तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर ये अंदर आके लड़ते हैं तो माहौल पूरा बदल जाता है, फिर रशिया की टैक्टिक्स बदल जाती है, और फिर तो बड़ा घमासान युद्ध हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा कि जो बाकी बॉर्डर्स हैं वहां पर भी रशिया कुछ ना कुछ हरकत करेगा। तो दिस विल गोइंग टू रिजल्ट इन अ वेरी वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इन द होल ऑफ यूरोप। तो इस समय अगर नेटो फोर्सेज या यूरोपियन यूनियन ने इतनी बड़ी बारी गलती कर दी कि वो यूक्रेन के अंदर घुस के और रशिया के संग सामने खड़े होकर लड़े, तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी पूरे विश्व के लिए, खास तौर से यूरोप के लिए। लेकिन शंकर प्रसाद जी, कल भी इस तरह की खबर आ रही थी, रूस की तरफ से ही दावा किया गया था कि नाटो देश जो है, यूरोपियन देश जो है, वो सैनिक भी भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और इधर ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश का दावा किया जा रहा है, रूस समर्थक एजेंटों पर साजिश का आरोप है। और ब्रिटिश मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि 3 बार हत्या की कोशिश का दावा किया जा रहा है, और ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ज़ेलेंस्की पर यह बहुत बड़ी अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश का दावा किया जा रहा है। विवेक काजू जी, इस बात की आशंका तो ज़ेलेंस्की पहले भी जता रहे थे, लेकिन ब्रिटिश मीडिया के हवाले से जो खबर इस वक्त बताई जा रही है, आपको क्या लगता है, ऐसे में जब पोलैंड भाग जाने की उनकी खबरें आ रही है, यह खबर किस तरह का इंपैक्ट डालेगी? देखिए, ये हो सकता है कि उनके उनके जीवन पर किसी या और फैमिली पर अटैक हुआ हो, और वहां से जहां पर वो थे तो उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने कहा होगा कि आपका रहना यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से हम आपको कहीं और ले जाएंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो छोड़ रहे हैं। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, दारोमदार यूक्रेन की फौज पर, फौज के नेतृत्व पे है। मेरा ये मानना है कि ये हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि फौज, यूक्रेन की फौज जिसको नेटो का पूर्ण सपोर्ट है वो छोड़ देगी, मोर्चा इतने आसानी से छोड़ेगी। दूसरी चीज, नेटो अपने सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन नेटो के पास इतनी क्षमता है कि वो रूस को यूक्रेन के दलदल में और ज्यादा फंसने की कोशिश करे कि वो फंसता जाए रूस, और उसके लिए वो
अब एक इंसर्जेंसी किस्म का की योजना बना सकता है कि कुछ यूक्रेन के सैनिक दस्ते, अगर यानी प्लान बी अगर ये है कि यूक्रेन ने हथियार डाल दिए तब भी ये चल सक, ये जो सिलसिला है वो चल सकता है। क्योंकि देखिए एक ये ऐतिहासिक चीज भी है, जहां पे पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस का पार्ट है, एक अखंड रूस की के सपने हैं उनके, उसी तरह वो यूक्रेन के लोग जो कि 600 साल से मुख्तलिफ हो गए हैं इनसे, जो अब जिनका अब जिनकी भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, रहन सहन में कुछ परिवर्तन हुआ है, वो नहीं चाहते कि यूएसएसआर की जिस परिभाषा को लेकर रूस आगे बढ़ रहा था उसमें हम नौवे दिन देख रहे हैं कि कल कुछ अलग तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे में विश्वंभर दयाल जी, इन आठवें दिन जो आठ दिन हमने देखा भीषण तबाही यूक्रेन में थी, लेकिन आज इस तरह की खबरें आ रही है कि ज़ेलेंस्की वहां से पोलैंड भाग गए हैं। इस बीच यूक्रेन के भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अब हम क्या देखें कि अब ये युद्ध जो है वो ढलान की तरफ बढ़ेगा या फिर और भी स्थितियां कुछ और विकट हो सकती है यूक्रेन के लोगों के? देखिए जो जो फौजें बढ़ रही हैं वो फौजें अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ेंगी ग्राउंड पर, और वो फौजें बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तौर पे बढ़ रही हैं। उनके अगले टारगेट जो हैं वो कहीं पोल्तोवा, जो बीच में बिल्कुल पोल्तोवा और फिर उसके बाद निप्रो और उसके नीचे जप्रोस्की, ये तीन टाउन हैं। जब ये तीनों बड़े बड़े शहर अगर कब्जे में आ जाते हैं तो डॉनबास का इलाका, फिर ये इलाका कब्जे में भी नहीं, अगर ये बहुत सिवियर थ्रेट में आते हैं, अटैक के नीचे आते हैं, तो ये लड़ाई तभी रुकेगी फिर, या तो ज़ेलेंस्की चले गए या ज़ेलेंस्की ने ज़ेलेंस्की। लेकिन ये तमाम दावे जो विश्वंभर दयाल जी किए जा रहे हैं वो दावे किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, अब ज़ेलेंस्की सामने आते हैं नहीं आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की बातें सामने आ रही है, निगाह बनाई हुई है हमने उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसमें खुलासा होगा कि आखिर ज़ेलेंस्की है कहां वाकई पर, वाकई में जो ब्रिटिश मीडिया के जरिए उन पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उन पर उनके परिवार पर थ्रेट है, इन तमाम बातों का जो असली चेहरा है वो तब सामने आएगा जब ज़ेलेंस्की खुद इस बारे में कोई बयान देगा। रूस यूक्रेन युद्ध में हिंदुस्तान के लिए जो एक अहम चीज है वो है भारतीय नागरिक। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है और इसके लिए चार मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने इसी मुद्दे पर पोलैंड में बात की हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा से। इंडिया ने ठाना है एक एक भारतीय को घर लाना है। यकीन मानिए ऑपरेशन गंगा पूरी शिद्दत के साथ चलाया जा रहा है। हम लोग इस वक्त पोलैंड में हैं और देखिए यहाँ पर भी लगातार अभी 24 घंटे के अंदर 18 फ्लाइट जो इंडिया लैंड करी हैं उसमें से पोलैंड से भी एक दिन में तीन तीन चार चार, कल चार हैं आज तीन, बड़ी संख्या में यहाँ से जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित वापस ले जाया जा रहा है। लेकिन एक शख्स जिसकी भूमिका शायद संभवतः आप सभी जानते हैं, एक संकट मोचक की रही है, चाहे यमन में 4640 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो, चाहे मोसुल हो, चाहे यमन हो, चाहे दक्षिणी सूडान हो, हर जगह एक शख्स जनरल वीके सिंह मेरे साथ इस वक्त हैं। क्योंकि जनरल वीके सिंह पहले तो थैंक यू सो मच आपको, आप अभी देर रात इस वक्त यहाँ पर आप खड़े हैं, तीन फ्लाइट्स आप बोर्ड कराकर छात्रों को खुद पर्सनली उनसे मिलकर आप आ रहे हैं। वंस ए जनरल ऑलवेज ए जनरल, लेकिन इससे पहले भी आपने कई तरह की भूमिका निभाई है। बहुत मुश्किल समय आपके लिए, सरकार के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए मुश्किल समय सर? देखिए सबसे मुश्किल समय तो छात्रों के लिए, ऑल द स्टूडेंट्स हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि लड़ाई जिस तरीके से शुरू हुई है अलग अलग शहरों के अंदर, और ख़ासकर सबसे मुश्किल चीज़ ये भी रही है कि अलग अलग ईयर्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलिए फर्स्ट ईयर वाला बच्चा वो तो सोच सकता कि चीज़ें हो जाएंगी, छठे साल वाला बच्चा अब वो अपना भविष्य देख रहा है, तो उसके लिए तो एकदम से सब कुछ उसको काला काला दिखाई देता। हमारी कोशिश है कि बच्चों को निकाला भी जाए, बातचीत भी की जाए कि कैसे उनकी चीज़ें आगे चलेंगी और सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। जनरल साहब एक चीज़ और, आपने कहा कि यूक्रेन से यहाँ पर लाने की भी लगातार कोशिशें एम्बेसी की तरफ से की जा रही है बॉर्डर्स पर,
इस दौरान कुछ कई तरह की भी चीज़ें सामने आई कि मतलब डिप्लोमेटिकली इंडिया ने जिस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि तिरंगा, मतलब कई वीडियोज़ आए कि दूसरे देश के लोग भी हमारे तिरंगा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब चाहे टर्किश स्टूडेंट है चाहे पाकिस्तान की कीमत और मान काफ़ी बढ़ा है। बहुत सी जगह से जब हमारे बच्चे और कुछ दूसरे देश वाले भी जब तिरंगा लेकर निकले तो उनको सेफ पैसेज मिला। पुतिन का स्टेटमेंट आया, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि अभी एमईए ने डिनाई किया है लेकिन एक रिपीट स्टेटमेंट आया है कि खारकीव में भारतीय बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, ये स्टेटमेंट है पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का। हम मुझे नहीं पता पुतिन जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। खारकीव में, खारकीव में हमारे दो बच्चे इधर, दो तीन बच्चे इधर खड़े हुए हैं, खारकीव से आए, ऐसा नहीं है। और इससे पहले जो बच्चे खारकीव से आए थे उनसे मैंने बड़ी तफसील में बात की, यूक्रेनियंस ने भी उनकी मदद की। ठीक। दूसरी तरफ से रूस ने भी कोशिश की है कि हम इन बच्चों को निकलने दिया जाए किसी न किसी तरीके से। ऑपरेशन गंगा का मोटो क्या है, मतलब आखिरी भारतीय जब तक नहीं आएगा तब तक आप हलेंगे नहीं, यहाँ से हटने नहीं वाले आप? देखिए 2014 के बाद एक चीज़ जो मोदी जी ने देश के अंदर की वो ये है कि कोई भी भारतीय अगर कहीं पर मुश्किल में है उसको हम बचा कर लाएंगे।